बीसीसी इंजीनियरिंग का काउंसलिंग स्टार्ट है भाई, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। हमने काउंसलिंग कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, लॉक कर दिया, लेकिन अब पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्या पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा तो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर कैंसिल हो जाएगा? क्या मेरा कॉलेज नहीं मिल पाएगा? क्या पीडीएफ का इम्पोर्टेंट है? नहीं, आज तक देखो पता चलेगा। हम मान लेते हैं हमने काउंसलिंग किया, चॉइस फिलिंग किया, यार भाई गल को चॉइस फिलिंग को सुधारना है, अनलॉक करना है, फिर से क्या हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्या न्यू कॉलेज को डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं? पूरे डाउट को किसी वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही है जो आपको लेना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते होंगे बहुत सारे काउंसलर आपसे पैसा लूट रहे होंगे, लेकिन भाई काउंसलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुद से काउंसलिंग करो और चॉइस फिलिंग हमसे ले लो। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, रैंक कार्ड भेजो और चॉइस फिलिंग 5 मिनट में आपको हम देंगे। चलो तो हम बताते हैं कैसे रिमूव करना है, कैसे अनलॉक करना है और कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसका भी डाउट क्लियर करते हैं कि हे गाइज, आपका ओटीसी क्लासेस में स्वागत है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी दबा देना और वीडियो को लाइक करके अभी शेयर कर दो यार, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो तो होगा ही। अगर गलती से चॉइस फिलिंग कोई कुछ करके तुमको भेज दिया है या खुद से गलती से चॉइस कर लिए, अब माइंड में आ रहा है कि सही चॉइस हम कर लूं तो अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक करने का हम तरीका बता रहे हैं। और गलती से कोई मान लेते हैं आपको बेस्ट कोर्स अब चाहिए और दिमाग में अब आ रहा है कि अब क्या करें, तो करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, अभी टाइम है। कब तक आप सुधार सकते हो तो उसका डेट पहले कंफर्म कर देते हैं। आप सुधारने का डेट आपके लिए 4 तक है। हाँ, 4 तक के बीच में कभी भी अनलॉक कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो आप सुधार। हाँ, कभी भी कर सकते हो, कोई कुछ कर दे डजन मीटर यार, कर सकते हो तुम। चलो तो हम करके बताते हैं उसके लिए होना क्या चाहिए। और पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसका भी हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले रैंक कार्ड तो होनी जरूरी है। अब रैंक कार्ड में तुमको यहाँ पर जैसे इनका रोल नंबर है तो रोल नंबर आपका होना चाहिए, उसके बाद में कैंडिडेट का नेम होनी चाहिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वह होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनलॉक, यानी कि हम सुधारते हैं इस बच्चा को। ओपन कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, देख सकते हैं गूगल बाबा ओपन है। तो गूगल बाबा पे सर्च करना है, वही प्रोसेस बीसीसी, तो बीसीसी पहले से सर्च है, मैंने सर्च कर लिया, बिल्कुल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट वेबसाइट में जैसे मैं आपको यहाँ पे पता है फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है, तो फर्स्ट वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं, आसानी से होगी। सब प्रोसेस एक एक बारीकी से समझा रहे हैं, कोई यूट्यूबर ऐसा वीडियो नहीं दे रहा होगा आपको जैसा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है जिसके कारण मैं काउंसलिंग नहीं कर पा रहा हूँ किसी का, लेकिन चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको सबमिट जरूर कर दे रहा हूँ। तो चलो, अब सभी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 3K 10K जितना जल्दी पुरवा दो उतना अच्छा होगा। तो चलो, यहाँ पे काउंसलिंग की बात है, काउंसलिंग पोर्टल यहीं से ओपन हो रहा है, तो चलो काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल ओपन हो रहा है, टाइम लगेगी, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। देखो, तो पहले से तो आपने रजिस्ट्रेशन वो सब कर चुके होंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको सेकेंड प्रोसेस की बात है, यहाँ से ओपन करना है। चलो ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हो ओपन हो चुका है। हाँ बिल्कुल हो चुका है, ओपन हो रहा है, हो रहा है, चलो हो रहा है तो हो गया। अब हो गया तो यहाँ पर रोल नंबर तो भाई डालना पड़ेगा ना। अब रोल नंबर डालो, तो हम रोल नंबर भी डालेंगे, उसके बाद पासपोर्ट इसका डालेंगे, सिक्योरिटी पिन यही है इसको डाल देंगे, लॉगिन तो कर ले हुए ना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, बच्चा वाला चीज़ है। चलो तो हम रोल नंबर डाल देते हैं, रोल नंबर इसका हम पहले से नोट कर लिए हैं, तो नोट कर लिए हैं तो रोल नंबर हम डाल देते हैं। रोल नंबर है इसका, देखो इसका रोल नंबर कम्प्लीटली हमने अब मांगेंगे कि, यानी कि हमने सबमिट कर दिया वहाँ पे सब कुछ, और सबमिट करने के बाद में देखो ओटीपी का सिलेक्ट करना है, तो हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। चलो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिए। अब सेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक किए उनके पास ओटीपी चला गया होगा, तो भाई ओटीपी का हम वेट कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे ओटीपी डालना है, वेट ओटीपी यहीं पे डालना है। चलो ओटीपी मेरे पास आ चुका है, हाँ सही सुन रहे हो, ओटीपी आ चुका है, क्या है ओटीपी मेरे पास आ चुका है, तो ओटीपी अब मैं डाल देता हूँ।
ओटीपी के लिए सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखो बी और क्या है 3 3 4 और कैपिटल पी है, उसके बाद में 9 1 9 हो गया, 1 हो गया। वीडियो लंबी हो सकती है, मेरा वीडियो लंबी होती है लेकिन इन्फॉर्मेशन सही होता है। चलो लॉगिन कर देंगे। अब लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद में भाई इस चीज़ को आप आ गए, यहाँ पे तो आ गए, देखो यहाँ पे आ चुके हो। अब देखो यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रूफ एक चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो इस बंदा का लॉक है, चॉइस लॉक चॉइस है, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है अनलॉक का, देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको अनलॉक का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 100% राइट इन्फॉर्मेशन, 100% राइट इन्फॉर्मेशन। तो लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, देखो यहाँ पे चॉइस अनलॉक आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखना क्या होता है। अब देखो आगे हम और इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे कह रहा है आई एग्री अनलॉक माई चॉइस, तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, बिल्कुल क्लिक करते हैं भाई, मेहनत बहुत लगता है। उसके बाद में पासपोर्ट होता है, चलो पासपोर्ट डाल देते हैं, पासपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पासपोर्ट जिसका जो हो वह डाला जाता है, चलिए एक बार यस कर देंगे, यस अनलॉक पे करेंगे और ओके कर देंगे। चलिए यस अनलॉक और ओपन किए, तो यहाँ पर देखो ओटीपी का चांस आ रहा है, देखो ओटीपी मांग रहा है। तो भाई ओटीपी के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, तो चलो सेलेक्ट करते हैं मोबाइल नंबर और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। चलो फिर ओटीपी उस बंदे के पास गया होगा, तो पहले ओटीपी उन बंदे से हम ले लेते हैं, हाँ ओटीपी उन बंदे से ले लेते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देना था तो क्या कर सकते हैं, चलो ओटीपी हम सबमिट कर देते हैं, 8 6 और 3 अनलॉक पर क्लिक कर देंगे। देखो भाई अनलॉक हो चुका है, हाँ अनलॉक हो चुका है। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पे तुमको अब फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग कितना भी कर सकते हैं, जितना मन अब फिर से ऐड कर सकते हैं। इस पर चॉइस फिलिंग पे जाते हैं, चॉइस फिलिंग पे आए, देखो फिर चॉइस फिलिंग में यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सॉरी यह चॉइस फिलिंग यहाँ पे आएंगे, चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, चॉइस फिलिंग उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। देख लो 100% राइट है। अब उसके बाद पासपोर्ट मांगेगा, तो भाई पासपोर्ट तो फिलअप करते रहना है, जितना बार मांगे उतना बार पासपोर्ट फिलअप करो, क्योंकि भाई तुम छेड़खानी कर रहे हो ना फिर से। और सौरभ, चलो काउंसलिंग हो रही है इनका और वीडियो लंबी है, तो वीडियो पूरा देखो, इन्फॉर्मेशन लो और सभी लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो फिर से ओटीपी, यार कितना ओटीपी प्रॉब्लम होती है भाई। चलो ओटीपी सेंड करते हैं और फिर से ओटीपी डालना पड़ेगा, तब जाके चॉइस फिलिंग होगा, ऐसे नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है भाई। देखो अब ओटीपी का हम वेट कर लेते हैं, फिर जाना पड़ेगा ओटीपी के लिए। चलिए ओटीपी अब डालेंगे, तो ओटीपी डालना बहुत ज़रूरी होता है। और देखो भाई आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट है तो बाई हिचक पूछते रहो, ठीक है। अब बी हो गया और कैपिटल टी, आगे हम बताएंगे कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है। चलो ओटीपी हम सबमिट कर दिया, अब सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे चॉइस करने का, ऐड करने का ऑप्शन आ गया ना, देखो यहाँ से टिप कर ऐड कर सकते हो सपोर्ट डेट। देखो मैं कैसे ऐड करता हूँ, इनका ऐड कर देता हूँ, देखो यह ऐड कर दिया, ये सब ऐड कर सकते हैं, ऐड कर देता हूँ, ऐड करने का जितना मन है उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये सब ऐड हो रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट डेट यह सभी हम ऐड कर दिए, अब मुझे रिमूव करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव किसी एक का करना है, सपोर्ट डेट यहाँ से कोई एक रिमूव करना है। तो देखो अब रिमूव करने का यहाँ ऑप्शन है,
उसके बाद में ऑफ डाउन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऑफ करेंगे तो ऊपर जाएगा, डाउन करेंगे तो नीचे आएगा, डाउन करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। रिमूव करना है तो रिमूव पर क्लिक किए, ओके टिपे, रिमूव हो गया। चलो उसके बाद में फिर सेव और कंटिन्यू करना है, सेव कंटिन्यू करना है। चलो सेव कंटिन्यू कर देते हैं, और सेव कंटिन्यू करने के बाद में फिर से करना क्या है, यहाँ पे देखो लॉक च्वाइस करना है इसका, तो लॉक च्वाइस अब कर देते हैं, लॉक च्वाइस हम कर देते हैं, लॉक च्वाइस अब कर देना है, अपना संभाल लेना है, यानी कि जो भी सीरीज है अच्छा से कर लेना है। अब देखकर अब लॉक च्वाइस में जाएंगे, आई एग्री करेंगे, जैसे लॉक किए थे पहली बार फिर वही प्रोसेस है, लॉक पर क्लिक करेंगे, और लॉक पे क्लिक करने के बाद में पासपोर्ट डालना है। हाँ सही सुन रहे हैं, पासपोर्ट डालना है। चलो भाई पासपोर्ट डाल देते हैं, बहुत परेशानी होती है। चलो भाई पासपोर्ट डाल दिए, फिर से ओटीपी जाएगा, ओटीपी वाला प्रॉब्लम जो है ना। चलो अब ओटीपी यहाँ पे देखो, अब ओटीपी सेलेक्ट करना है, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सेलेक्ट कर दिए मोबाइल नंबर, फिर सेंड करेंगे। देखो आगे हम बताते हैं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, टेंशन नहीं लो, रुक जाओ, वेट करो यार, सब्र का फल मीठा होता है, और कितना ज़रूरी है ये सारी चीज़ को हम बताएंगे। चलो तो हम ले लेते हैं, चल भाई ओटीपी हम डाल देते हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ओटीपी है। ओटीपी डाल देते हैं, ठीक है, ओटीपी आप लॉक च्वाइस कर देंगे, लॉक च्वाइस किए 100% लॉक जाएगा, ठीक है। अब लॉक च्वाइस हो गया, अब इनका लॉक हो चुका है, फिर से देख सकते हैं यहाँ पे लॉकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रूव हो चुका है, यहाँ पर देखो प्रूव हो चुका है, लॉक हो गया। अब डाउनलोड इनका करते हैं, डाउनलोड करने के लिए एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट डाउनलोड जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे, तो प्रिंट पर हम डाउनलोड करते हैं, चलो ठीक है, प्रिंट डाउनलोड पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड करना है। चलो तो हम डाउनलोड कर, ठीक है, अब डाउनलोड के बाद देखना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद हम डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब डाउनलोड इनका नहीं होगा, अब यह है ना, ये डाउनलोड नहीं होगा, और किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसका टेंशन लेना है, आपका डाउनलोड नहीं होगा, और इसका यूज कहीं नहीं आने वाला है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, एडमिशन हो, कहीं भी आपका पूछताछ नहीं होगा, इसका अलाउमेंट लेटर आएगा वही जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इसका चिंता मत करो, पीडीएफ आपको नहीं यूज है, पीडीएफ की जरूरी नहीं है, 1% भी जरूरी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 100% राइट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों में शेयर करना और 3K सब्सक्राइब यहाँ पर कंप्लीट करना, थैंक यू।